नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। पीएम का मेगा कनेक्टिविटी, पीएम ने दी है 8 लग्जरी ट्रेनों की सौगात। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापगढ़ से जोड़ेंगी। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को जगह मिलेगी। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर पीएम ने 8 स्पेशल ट्रेनों की सौगात यहां पर दे दी है, जो कांवड़िया से वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापगढ़ को जोड़ेंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिलेगी। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए पीएम ने मेगा कनेक्टिविटी दे दी है। पीएम ने दी है 8 लग्जरी ट्रेनों की सौगात। ये 8 ट्रेन है केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापगढ़ से जोड़ेंगी। इसके चलते यात्रियों को अब परेशानी बिल्कुल भी नहीं झेलनी पड़ेगी। पीएम ने साफ तौर पर ये इस बात रखी है कि अब ऐसी कनेक्टिविटी की जा रही है जिससे यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े, और साथ ही साथ इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। पीएम मोदी ने 8 ट्रेनों को दिखाई है हरी झंडी। गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए पीएम मोदी केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापगढ़ से जोड़ेंगी। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। साथ ही केवड़िया के रेल लिंक से जुड़ने से यहाँ देश भर से सैलानी बिना किसी परेशानी के पहुंच सकेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इन ट्रेनों का डिजाइन बेहद शानदार है। इन ट्रेनों की यात्रा के दौरान लोग मां नर्मदा की घाटियों का मनोरम दृश्य का आनंद भी उठा सकेंगे। इस वक्त की बड़ी और बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीएम ने बड़ी सौगात यहां पर दे दी है, जिसके चलते अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए पीएम का मेगा कनेक्टिविटी, पीएम ने 8 लग्जरी ट्रेनों की सौगात यहां पर देशवासियों को दे दी है। यह 8 ट्रेन है केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई, प्रतापगढ़ से जोड़ेंगी। इसके चलते यात्रियों को बिल्कुल भी परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, और 8 ट्रेनें यहां पर लग्जरी डिजाइन में बनाई गई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात का जिक्र किया है कि जो ट्रेन बनाई गई है ये बेहद ही लग्जरी है, और ऐसे में इनकी यात्रा बेहद ही शानदार रहने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चेन्नई के अलावा वाराणसी, रीवा, दादर और दिल्ली से केवड़िया एक्सप्रेस और अहमदाबाद से जन शताब्दी एक्सप्रेस केवड़िया के लिए निकली है। इसी तरह केवड़िया और प्रतापनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है। डभोई चांदोद रेल लाइन का चौड़ीकरण और चांदोद केवड़िया के बीच की नई रेल लाइन अब केवड़िया की विकास यात्रा में नया अध्याय लिखने जा रही है। ये भी सुखद संयोग है कि आज भारत रत्न MGR की जयंती भी है। MGR ने फिल्म स्क्रीन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रीन तक लोगों के दिलों पर राज किया था। उनका जीवन, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी। गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिले इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया था। भारत रत्न MGR के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए आज हम सब प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर MGR के नाम पर किया था। मैं भारत रत्न MGR को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज केवड़िया का देश की हर दिशा में, हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना
पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है, हमें गर्व से भरने वाला पल है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।